बेटी जिस परिवार में जन्म लेती है वह केवल उस परिवार की ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की नींव होती है। सामूहिक विवाह समारोह निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा परिवर्तन करने वाला आयाम है। इसी उद्देश्य के साथ धानुका आश्रम एवं कल्याण करोती के संयुक्त तत्वधान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। छठीकड़ा मार्ग स्थित बेदी बिहार धाम में आयोजित सामूहिक विवाह में पंडाल में गूंजता स्वातित्व वाचन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 21 गरीब कन्याओं का विवाह पूर्ण रीति रिवाज के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। वहीं कन्याओं के माता पिता की खुशी देखते ही बन रही थी और हर कोई आनंदित हो रहा था। संतों एवं विद्युत जनों के सानिध्य में विवाह संपन्न होने के साथ ही सभी जोड़ों को गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की गई। 21 शादियां हो रही है कन्याओं की, 21 वर भी है और इनके लिए सारे उपहार जो नया घर शुरू करने के लिए परिवार के लिए चाहिए है, बर्तन, बिस्तर, कूलर, पंखे, सब चीज का बंदोबस्त किया गया है। छोटा जेवर भी दिया जा रहा है, मंगलसूत्र, अंगूठी, कान की बाली और नाक के लिए नथनी, सब चीज के व्यवस्था की है हमने। बाद में सबके लिए भोजन है और फिर विदाई है। एक क्रम धानुका परिवार की तरफ से ही है और ये धानुका परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी भांजी है, उनके भांजे हैं, उनकी बहनें हैं, वो सब मिलके इस कार्यक्रम को करा रही है और ये 21 कन्याओं की शादी है और इन कन्याओं को भी जो छांटा गया है, जिनके माता पिता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के भाई नहीं है, ऐसी फैमिली को छांट के ये कार्यक्रम किया गया है। बाबा, एक बार फिर पुनीत कार के आप सहभागी बने हैं, क्या कहेंगे कितने विवाह? देखो, आज ये धान का दुर्गा प्रसाद धान का चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये सेवा चल रही है और इसमें गरीब कन्याओं की 25 जोड़े की शादियां हैं। हम लोगों का एक ही प्रयास रहता है कि हम ब्रजवासियों को किस तरह सेवा कर सकें। इसमें यदि ब्रजवासी प्रसन्न है तो मुझे विश्वास है कि मेरा लाला भी प्रसन्न रहेगा। इस भावना से हम लोग हमेशा इस सत्कार में जुड़ते हैं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ इन जोड़ों का मंगल, ये मेरी प्रार्थना है।